बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है। लगातार लोग शिकायत कर रहे हैं और लोग जिस तरीके से बिजली विभाग में अपनी शिकायतें दर्ज करते हैं कि हमारा स्मार्ट प्रीपेड मीटर तो लग गया है, लेकिन जब उसमें हम पैसा डलवाते हैं तो 1 महीने का पैसा जो है 15 दिन में ही वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बिजली की समस्या जो होती है उनके घर में वो काफ़ी बढ़ जाता है। पिछले कई महीनों का अगर आंकड़ा उठाकर देखें, लगातार हमने खबरें भी चलाई हैं और पिछले कई महीनों का अगर आंकड़ा उठा करके देखें तो बिजली विभाग में ऐसे कई शिकायतें मिल रही हैं कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले लोग सबसे ज़्यादा उनको टेंशन बढ़ा हुआ है कि कब बिजली उनके घर से कटौती कर ली जाएगी। चूंकि रिचार्ज वो 1 महीने का कराते हैं लेकिन 10 दिन ही वो चल पाता है, 15 दिन ही चल पाता है और जब अपना अकाउंट चेक करते हैं तो माइनस में पैसा बताने लगता है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। और इन्हीं परेशानियों को ख़त्म करने के लिए जो बिजली विभाग की कंपनियाँ हैं जिन्होंने स्मार्ट मीटर जो लगाया है घर में, ऐसे में इन परेशानियों को ख़त्म करने का फैसला लिया गया है। यानी कि बिजली विभाग जो है स्मार्ट प्रीपेड लगाने वाले उपभोक्ताओं को खुशखबरी दे रहा है, बहुत जल्द इन मामलों का निपटारा कर लिया जाएगा। बिजली कंपनियों के अनुसार ऐसी व्यवस्था की जा रही है, ऐसी सुविधाएं लाई जा रही हैं जिससे उपभोक्ताओं को समस्याएं ना हो। जो लोग स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा टेंशन में रहते हैं और टेंशन इस बात का रहता है कि उनके घर कब बिजली कट जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे में जिन्होंने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया है, जिन कंपनियों ने लगाया है, उन कंपनियों का मीटिंग हुआ और मीटिंग में एक बड़ा फैसला उपभोक्ताओं के लिए लिया गया। उपभोक्ताओं के लिए जो फैसला लिया गया है उसके अनुसार आपको बता दें कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं को राहत देने की तैयारी बिजली कंपनियां कर रही हैं। इसके लिए कंपनी के सप्लाई कोड में परिवर्तन किया जा रहा है। कंपनी के CMD संजीव हंस के अनुसार नए और पुराने सभी श्रेणी के स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिल अधिक रहने की शिकायत पर बिजली कंपनी ने पूरी स्थिति का आकलन कराया है। पता चला है कि लोड बढ़ने की वजह से बिजली बिल की राशि पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ जा रही है। होता ये रहा है कि सभी बिजली उपभोक्ताओं ने तय किलोवाट का कनेक्शन लिया हुआ था, कोई 2 किलोवाटर तथा कोई 3-4 किलोवाट का कनेक्शन लेता है। जब स्मार्ट प्रीपेड मीटर की व्यवस्था नहीं थी तो इस बात का नोटिस नहीं किया जाता था। वहीं जब स्मार्ट प्रीपेड की व्यवस्था शुरू हुई तो बिजली की खपत के हिसाब से लोड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। लोड बढ़ने पर दंड शुल्क और प्रति यूनिट दर के बढ़ जाने से उपभोक्ताओं के बिल की राशि अधिक हो जाती है। समस्या में समाधान को लेकर के सप्लाई कोड संशोधित किया जा रहा है। बिजली कंपनी द्वारा इस समस्या के समाधान को लेकर सप्लाई कोड संशोधित किया जा रहा है। सप्लाई कोड संशोधित होने के बाद से अगले 6 महीने तक लोड बढ़ने पर उपभोक्ताओं में से किसी भी तरह का दंड नहीं लिया जाएगा। उपभोक्ताओं के अपने स्तर से लोड बढ़ने के आकलन पर नज़र रखा जाएगा। इसके बाद उन्हें अपना कनेक्शन लोड बढ़ाए जाने का आवेदन देना है। बिजली कंपनी संबंधित उपभोक्ता के लोड को भी बढ़ा देगी। आपको बता दें कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिल अधिक रहने की शिकायत भी काफ़ी मिल रही थी, तो अब जो है कंपनी इसका सुधार कर रही है और जल्द से जल्द आपके शिकायतों की सुनवाई भी करेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आप जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।